दोस्तों, आज बटुकेश्वर दत्त की जयंती है और आप बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानते हैं। बटुकेश्वर दत्त शहीद आजम भगत सिंह के साथी थे और इस देश की आजादी के लिए उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी, बड़ा बलिदान दिया है। हमारा देश जब भी किसी आजादी के दीवाने को याद करता है, किसी क्रांतिकारी और बलिदानी को याद करता है, तो इस बात को याद दिलाता है कि यह आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है। यह आजादी ऐसा नहीं है कि उपहार में हमको कोई दिया है। यह आजादी क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान से हमको प्राप्त हुई है। और यह जो आजादी है, उस आजादी का मतलब क्या है? उस आजादी का मतलब है कि इस देश के भीतर पैदा होने वाले कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो तमाम लोग चाहे मंदिर जाते हों, मस्जिद जाते हों, गुरुद्वारे जाते हों, चर्च जाते हों, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, चाहे वो टोपी लगाते हों, चाहे वो तिलक लगाते हों, वो तमाम लोग जो इस देश के नागरिक हैं, उनको हमारे संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। आजादी का मतलब है कि अंबानी साहब का भी वोट एक होता है और अंबानी साहब के घर में ड्राइवर की नौकरी करने वाला का भी वोट देता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? दोनों का वोट बराबर होता है ना। ये जो हमारी आजादी है, ये जो हमारा भारतीय होने का एहसास है, भारतीय होने की जो हमारी भावना है, उस भावना को ही जोड़ कर रखने के लिए, और यह जो हमारा उम्मीद है कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा कुछ अधिकार है, हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारा अधिकार यह है कि इस देश में हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार का कर्तव्य यह है कि वो बदले में हमारे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेगी। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने आजादी को, अपने संविधान को, अपने तिरंगे झंडे को सम्मान करेंगे। और सरकार का कर्तव्य यह है कि हम जो उनको टैक्स का पैसा देते हैं, उससे हमारे आने वाली भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखा जाएगा। पिछले कुछ सालों से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस देश के भीतर जो आम लोग हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है, और टैक्स हमसे वसूला जाता है और माफी अपने दोस्तों को दिया जाता है। हम अगर कर्जा लें तो हमको डिफॉल्टर घोषित करके, आम किसान अगर हैं तो उनको जेल में डालते हैं, उनको आत्महत्या करने के लिए विवश करते हैं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तो आप स्पेशल चार्टर से देश का पैसा चोरी करके बाहर भाग सकते हैं। देश के नाम पे जो दोस्तों की तिजोरी भरी जा रही है, उसके चलते देश में निराशा पैदा हो रहा है। और जब देश में निराशा पैदा होता है, जब देश में क्रोध पैदा होता है, तो उस क्रोध और निराशा का आधार बना करके इस देश के ही लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। और देश के लोग जब आपस में लड़ेंगे तो कुछ देर के लिए यह बात वो भूल जाएंगे कि आपके बच्चे के शिक्षा पे खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के उड़ने के लिए, उड़न खटोला खरीदने के लिए 8,500 करोड़ रुपया है। मैं कहता हूं, इस देश को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी रैलियों में जाते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप गरीब का बेटा हैं तो इस देश के अंदर सरकारी शिक्षा को क्यों बंद किया जा रहा है? इस देश के भीतर जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें नौकरियां क्यों घटाई जा रही है? क्यों हजारों लाखों पोस्ट भरे नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं कि ये इस देश के लोगों को, इस देश के आम लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। जो लोग शिक्षा ले लिए हैं उनको रोजगार नहीं देना चाहते हैं, और आम लोगों की पहुंच से हर चीज दूर होता जा रहा है।
जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकेगा तो आप बताइए आपकी जिंदगी में कठिनाई होगी कि आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आएगा। इस देश के भीतर जो लूट आज के डेट में चल रही है, उस लूट के खिलाफ इस देश से प्यार करने वाले लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और जब लोग एकजुट होने का प्रयास करते हैं, जो लोग इस लूट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है। आपने महाराष्ट्र में भी ये देखा है, जो लोग सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलते हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे किए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। हिंदी सिनेमा है एक, उसका नाम है सौदागर, और सौदागर फिल्म का एक गाना है, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। आजकल जिसके भी घर पे ईडी जाता है, ये ईडी ईडी क्या है, ये ईडी ईडी, वो तुरंत सरकार के लिए इलू इलू गाना शुरू कर देता है। तो मैं इस देश के आम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वक्त डरने का नहीं है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस वक्त हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमको डरने की जरूरत नहीं है, इस वक्त हमको इस तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा होकर इस संकल्प लेने की जरूरत है कि यह देश आम लोगों का था, आम लोगों का है और आम लोगों का रहेगा। उसके लिए हम कृत संकल्प हैं, उसीलिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। इसीलिए मैं आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र एक क्रांतिकारी भूमि है। जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम संत तुकाराम की धरती पर जा रहे हैं, हम वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर जा रहे हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, फूले और साहू की धरती पर जा रहे हैं। ये संत गजानन की धरती है। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं, आज सत्य के लिए खड़ा होने की जरूरत है, और सत्य पे जब आप खड़ा होंगे तो सत्य से शक्ति आती है, शक्ति से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन ये है कि हम इस देश के तमाम लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के आम लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ी थी, इस देश को आजादी दिलाई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के लोगों के लिए लड़ रही है और उस मिली आजादी को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है कि भारत जोड़ो यात्रा में आप अपने मुद्दे को लेकर के शामिल होइए, महिलाएं महिला सुरक्षा को लेकर के शामिल हो, नौजवान अपने रोजगार के लिए शामिल हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर अपनी मजदूरी के लिए शामिल हो, आत्महत्या करने के लिए विवश जो किसान हैं वो फसल के दाम के लिए शामिल हो, जिनकी नौकरियां कोरोना में चली गई वो अपनी नौकरियों के लिए शामिल हो, और जीएसटी और नोटबंदी के चलते जिनका रोजगार बंद हो गया, जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए, तो आप उस गलत नीति के खिलाफ शामिल हो। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई देश की यात्रा है, देश से प्यार करने वाले हर नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए। आप देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि आवाज दिल्ली से होते हुए कश्मीर तक जाना चाहिए। आप देश से प्यार करते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता में भरोसा रखते हैं। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो देश की एकता की भावना को लेकर के यह भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, रोजी रोजगार के लिए, सबके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और देश को एकजुट रखने के लिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलती हैं। आपको मोहब्बत चाहिए ना, देश से प्रेम है ना, तो आप सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते ही हैं। साथ ही साथ आपसे अपील करते हैं कि प्रेम की यह मुहिम नफरत के सामने झुकनी नहीं चाहिए। और राहुल जी की एक बड़ी शानदार आदत है, राहुल जी चोर को चोर मुंह पे बोल देते हैं, और चोर को चोर जब आप मुंह पे बोल देते हैं ना तो साजिश की जाती है, उस साजिश के खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। यह संघर्ष देश को बचाने की संघर्ष है, यह लड़ाई
दो तरह के लोगों के बीच है, एक वो लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, एक वो हम लोग हैं जो देश को बचा रहे हैं। आप देश को बचाने के लिए तैयार हैं तो भारत जोड़ो यात्रा कदम दर कदम दिल को जोड़ते जाएगी और अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः सम्मानित मंच को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं को और आप तमाम कार्यकर्ताओं को, महाराष्ट्र के एक एक नागरिकों को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक नारा और आप हमारे साथ लगाइए, छत्रपति शिवाजी महाराजांच, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया कुमार जी, यानंतर लोकायचं एखादं गीत असेल यावर कार्यक्रम आपण पुढे घेऊ शकता, एक गीत।